हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरान दस्या ज्ञानंजन श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते, तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज पुरुषोत्तम मास का पहला दिवस, बहुत ही पवित्र महीना, कृपा प्राप्ति करने का महीना, दया प्राप्ति करने का महीना, ऐसा महीना जिसमें पाप की क्षमा याचना है, पाप समाप्त होने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति बढ़ाने वाला, भजन बढ़ाने वाला, ये बहुत ही महीना अद्भुत महीना है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है। इस महीने को कहा गया पुरुषोत्तम मास, अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम का महीना। इस महीने में भजन के बहुत महत्व है, कीर्तन का बहुत महत्व है, भगवद गीता के पाठ भागवत के पाठ का बड़ा महत्व है। मेरी माता बहनों मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा परिवार, आश्रम से जुड़े लोग, हमसे जुड़े लोग अवश्य सुबह में उठते होंगे ब्रह्म मुहूर्त में और अपना भजन करते होंगे। ये महीना दान का महीना है, सेवा का महीना है, भक्ति का महीना है, तपस्या का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना। और हाँ, इस महीने में एक और बात बताऊं कि आप भगवान श्री कृष्ण के आगे दीप जरूर अर्पण कीजिएगा। आप अपने घर के मंदिर में, क्योंकि शहर के मंदिर तो बंद है अभी हमारे यहाँ तो, कम से कम महाराष्ट्र में, लेकिन मंदिरों में जाकर आप अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी अवसर प्राप्त हो, आप ठाकुर के आगे दीप जरूर प्रकट और प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में दीप प्रकट करने का, दीप दान करने का बड़ा महत्व है। हम कार्तिक महीने में जो दीप दान करते हैं, मेरी माता बहनों मित्रों, जिसे हम दामोदर महावत भी कहते हैं,
उससे कहीं अधिक पुरुषोत्तम मास में दीप जलाने का, दीप प्रकट करने का, दीप अर्पण करने का महात्म और महिमा है। इसलिए आप अपने ठाकुर के आगे रोज दीप अर्पण कीजिएगा और आपको ये अनुष्ठान करना चाहिए कि हम रोज अपने ठाकुर के आगे दीप अर्पण करेंगे। प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है। मेरे सामने भगवद गीता का श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकिक महेश्वरम। क्या अद्भुत श्लोक है। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता, सुन लो, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि जो भी यज्ञ है और जो भी तपस्या है मात्र कृष्ण के लिए होनी चाहिए। मेरी माता बहनों में तो एक बात याद रखिए, हमारे धर्म में अनेक देवी देवता हैं, लेकिन देवी देवता आपको सब कुछ तो दे सकते हैं, लेकिन वो भी भगवान के माध्यम से ही। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवता देते हैं वो भी वास्तव में मैं ही देने वाला हूं, मेरे ही द्वारा मिलते हैं वो। कोई भी देवी देवता अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे सकता है जब तक कि हरि इच्छा ना हो, हरि आज्ञा ना हो। जैसे कोई भी मिनिस्टर उस समय तक कुछ सैंक्शन नहीं कर सकता जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ने सैंक्शन ना किया हो, है क्या नहीं? क्योंकि जो भी मिनिस्टर आपको देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर का सैंक्शन होता है, राष्ट्रपति का सैंक्शन होता है। ऐसे ही कोई भी देवी देवता आपको उस समय तक कुछ भी नहीं दे सकते जब तक जगतपति मेरे ठाकुर कृष्ण की अनुमति ना मिले और उनको आज्ञा ना मिले, क्योंकि कोई भी देवता, कोई भी देवी कृष्ण की आज्ञा के उल्लंघन नहीं कर पा सकते। इसलिए एक बात कान खोल के सुन लो, देवी देवता आपको सब कुछ दे सकते वो भी भगवान की अनुमति से, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। आपके जीवन का लक्ष्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। शास्त्रों में तो लिखा, ग्रंथों में भी लिखा, लिखा है ना, भई प्राप्त मानुक देरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी मिरिया। ये मानव शरीर है इसलिए मिला है कि गोविंद की प्राप्ति हो। शास्त्र कहते, गरण जी महाराज कहते हैं, वेद कहते, पुराण कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, देहधारी का फल यही भज मन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले न बारंबार। अरे ये मनुष्य जन्म मिला ही है गोविंद की प्राप्ति के लिए। और गीता में श्री कृष्ण क्या कहते पता है, देवी देवताओं को मानने वाले, गीता में साफ लिखा है, भगवद गीता में श्री कृष्ण लिखते हैं,
यान्ति देवर्ता, यान्ति देवर्ता देवान, पित्रान यान्ति पितृवर्ता, भूतानि यान्ति भूतेजया यान्ति, मत जनो या अपि माम। मद्याजीन अपिमाम, मद्याजीन अपिमाम, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलाओं के पास जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करेंगे। भगवद गीता 9वां अध्याय और 25वां श्लोक चाहे तो पढ़ लेना, और भगवद गीता हमारे लिए अंतिम आदेश है, ये सुन लो समस्त हिंदुओं के लिए, समस्त सनातन धर्म के मानने वालों के लिए भगवद गीता अंतिम आदेश है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं का भी मैं आधार हूं, तो बस फिर तो एंड हो गया ना, फिर आप जड़ को पकड़िए ना, टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को क्यों पकड़ रहे हैं? जड़ को पकड़िए, पूरा वृक्ष आपके हाथ में आ गया। ऐसे एक सीधे सब साधे, एक साधे सब सीधे, गोस्वामी तुलसीदास जी, एक की साधना करो सब आ गए, और वो है कृष्ण। वो है कृष्ण। तो आपका मनुष्य जन्म किसी देवी देवता की पूजा के लिए नहीं हुआ, आपका मनुष्य जन्म कृष्ण की पूजा के लिए हुआ। तभी तो कृष्ण ने कहा मनमना भव मत भक्तो, और किसी के नहीं मेरे भक्त बनो। भगवद गीता 18वां अध्याय 65वां श्लोक, आप किसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? अगर कृष्ण शरण ना लेके सोचो तो सही, आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो जो संसार का स्वामी है, जिसकी आज्ञा में तो सूरज चांद भी रहते हैं, सितारे भी रहते हैं। आप उस भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हो जब आप कृष्ण को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, मेरे श्री हरि को छोड़ के अन्य किसी और के शरण में जाते हो। आप समझिए प्लीज, आपके भले के लिए कह रहा हूं। आप किसी की भी पूजा कीजिए, मेरा क्या, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, हाँ, लेकिन आपका फायदा जरूर होगा। ये सोच के चलो कि कृष्ण परमेश्वर है और सारे देवता भी उन्हीं की आराधना करते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी, संसार के ब्रह्मा जी, हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा जी को मन हुआ कि जाऊं भगवान से मिलने, कृष्ण से मिलने गोलोक। तो अपने वाहन पे चल पड़े, गोलोक पहुंचे तो वहां उनको वेटिंग में डाला गया। किसको? ब्रह्मा जी को। तो आपको पता है किसी बड़े आदमी को वेट करने के लिए कहा जाए तो बड़ा उसको अद्भुत लगता है, अटपटा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मांड का ब्रह्मा, पिता ब्रह्मा का, और मुझे कहा वेट करो, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा, और मुझे कहा वेट करो। तिल मिला गए, थोड़ी देर में जब गोलोक के भीतर जाने का मौका मिला तो वहां उनसे पहले कई ब्रह्माओं की लाइन लगी थी, किसी के 10 मुख, किसी के 20 मुख, किसी के 100 मुख, किसी के 1000 मुख, ऐसे ब्रह्मा लाइन में लगे। ब्रह्मा जी का अहंकार वहीं टूट गया कि अरे या तो 100-100 मुख वाले ब्रह्मा हाथ जोड़ के लाइन में लगे हैं, मैं कौन हूं, मैं तो चतुर्मुख वाला हूं सिर्फ। मेरी माता बहनों मित्रों, सारे देवी देवता भी मेरे ठाकुर की आराधना में लगे पड़े हैं।
और ठाकुर खुद कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकं शरणं व्रज, छोड़ो इन सबों को, एक मेरी शरण आ जाओ, क्या होगा, अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षाश्यामि मा शुच। देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अंतिम फैसला होता, कहते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बस बात खत्म हो गई। अभी हमारे राम मंदिर का समस्या, राम मंदिर का जो प्रॉब्लम था कितने वर्षों से चल रहा था, कई सौ वर्षों से चल रहा था ना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया सब समाप्त हो गया, सबको मानना पड़ा भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो भगवान से बढ़कर कौन सुप्रीम है, वो यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, तुम मेरे भक्त बनो, कृष्ण कह रहे हैं, अन्य और किसी के नहीं, क्योंकि अन्य और किसी के भक्त बने तो फिर मरने के बाद उनके पास जाना पड़ेगा, और वहां जाकर क्या होगा पता है, भगवद गीता के आठवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जो भी गया उसे वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। आभूर्भुवान लोकान पुनरावर्तन अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जो भी गया उसे वापस आना पड़ेगा, इसलिए देवलोक से भी वापस आना पड़ता है मृत्यु लोक में जब पुण्य प्राप्त समाप्ति हो जाती है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं जो भी कहता हूं आपको अटपटा लगे लेकिन वो सत्य है, आप कृष्ण शरण लीजिए, ये भगवद गीता का आदेश है, नहीं तो साफ भगवद गीता में कहा, साफ कहा जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक के पास जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोकों में जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों में जाएंगे, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आएंगे। इसलिए कोई पाप नहीं लगेगा अगर आप कृष्ण शरण लोगे तो, क्योंकि कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान प्रत्याजे मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भय मुक्ताश्यामि मा शुच। मत डरो, कुछ लोगों को डर लगता है ना कि ये ऐसा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका, कृष्ण कहते मा शुच मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक आपको छोटा उदाहरण दूं, एक व्यक्ति एक नगर सेवक के यहाँ नौकरी करता हो, एक व्यक्ति एक नगर सेवक के यहाँ नौकरी करता हो या किसी म्युनिसिपैलिटी के मेयर के पास नौकरी करता हो, और मेयर की नौकरी करते करते उसे राष्ट्रपति की नौकरी मिल जाए, नगर सेवक की नौकरी करते करते राष्ट्रपति की नौकरी मिल जाए, किसी मंत्री की नौकरी करते करते राष्ट्रपति की नौकरी मिल जाए, और वो राष्ट्रपति की नौकरी पे लग जाए तो मंत्री भी उसको इज्जत देगा क्योंकि राष्ट्रपति का नौकर है। ऐसे किसी देवी देवता की पूजा करते करते भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग गए तो वो देवी देवता भी हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि अरे ये भगवान ओ कृष्ण की सेवा में लग गया इसे आशीर्वाद दो। सारे देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं पता है, और मैंने एक चीज नोट की है, ये मेरे जीवन का अनुभव है आध्यात्मिक जीवन का, कि जिसने भी अच्छे से देवी देवताओं की पूजा की है उसको एक दिन कृष्ण भक्ति जरूर मिलती है, खासकर भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा की जिसने पूजा की है एक दिन ऐसा आता है कि उसे उसके जीवन में कृष्ण आता है, कैसे भी कृष्ण आता है उसके जीवन में, क्योंकि माँ दुर्गा और बाबा भोले बाबा जब कृपा करते हैं ना तो कृष्ण आता ही है जीवन में, ये मेरा अनुभव है जीवन का, क्योंकि ये दोनों बहुत दयालु है और ये हम सबों का भला करते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, पुरुषोत्तम मास से संकल्प कीजिए ठाकुर की शरणागति होने का, संकल्प कीजिए भजन करने का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद शरण ठाकुर की शरण लीजिए, ठाकुर
आपको समस्त पापों से, समस्त बाधाओं से मुक्त कर देंगे, ये वचन देते हैं 66वें श्लोक में 18वें अध्याय में। और ये आज्ञा देते हैं, मन मना भव मत भक्तो, तुम मेरे भक्त बनो, स्पष्ट आज्ञा है। इसलिए हम सबों को कृष्ण भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं और वो परम पुरुष हैं। तभी तो कहा भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलौकिक माहेश्वरम। अरे मैं तुम्हारी सारी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं सर्वलौकिक माहेश्वरम, मैं सब लोगों का महाईश्वर हूँ, सब लोगों का महाईश्वर मेरा ठाकुर बांके बिहारी लाल राधा रमण राधा वल्लभ मेरा ठाकुर श्याम सुंदर मेरा ठाकुर गोकुल आनंद मेरा ठाकुर राधा गोविंदेव जी ओ मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र समस्त लोगों का महाईश्वर है। आइए उन्हीं की शरण ले, आज पवित्र महीना है, अनुष्ठान कीजिए, भगवद गीता का पाठ, भागवत का पाठ या भजन, तुलसी पूजा, गौ पूजा, गुरु सेवा, ये अनुष्ठान लीजिए और रोज दीप अर्पण कीजिएगा भगवान के आगे, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आप सुखी और सुरक्षित रहो, मेरे दुआ है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।